Good morning, student. In this video, we will start exercise chapter 6, exercise 6.1, decimals, class 6. So, first question is write each of the following as decimal. हमें ये फॉलोइंग जो भी डेटा गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो पहला दिया है 5/10, तो इसको सॉल्व करेंगे 5/10, तो 5/10 है तो उसको हम 5/10 को कैसे लिखते हैं 5, और 10th है तो उसको नीचे पॉइंट में 10 आता है. फिर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5. सेकेंड था 21/100, तो 21 और 100 अपॉन में आएगा, तो 100 से यहाँ पे THS लग रहा है, जहां पे TH जाता है वो अपॉन में चला जाता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.21. बिकॉज हमें यहाँ डेसिमल में करना है तो इसलिए हम डिवाइड करते चले जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5/10 + 7/10. देखिए यहाँ टेंस है तो 5/10 का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और जहां पे 10th होगा THS होगा वहां पे डिवाइड करना होगा, तो 7/10 है तो डिवाइड. 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, 7 का 10 में डिवाइड करेंगे 0.7 आएगा, देन वी ऐड 50 को हम 0.7 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0, 50.7 हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है 200 + 3 1 + 9000. तो देखिए 200 जहां एस आ रहा है वहां मल्टीप्लाई, और जहां TH आ रहा है वहां पे डिवाइड. तो 100 से हमें क्या करना है 2 में मल्टीप्लाई, प्लस 3 वंस का मतलब 1 प्लस 9, और यहां आ रहा है थाउजेंड्स, TH आ रहा है तो थाउजेंड्स हमें डिवाइड करना है. तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 200, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.009, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसको ऐड करने के बाद 203.009. आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. राइट इज द फॉलोइंग एज डेसिमल. डेसिमल में करना है 32 है प्लस 4/10 है, तो 32 को 32 लिखेंगे और 4/10 इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 32.4. सेकेंड है 600 + 30 + 5/10. 600 और 30 को ऐड करेंगे तो 630 आ गया, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे इन दोनों डिजिट को तो हमारा आंसर हो जाएगा 630.5. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट इज द फॉलोइंग एज डेसिमल. 7/5 डेसिमल में करना है तो ब्रैकेट सबसे पहले डेसिमल वो लगाएंगे, डिवाइड 5 को हमें 7 से डिवाइड करना है. 5 1 = 5, 2 बचा लेस करने पर पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 = 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.4. सेकेंड है 5/2, 2 का डिवाइड 5 से करेंगे तो 5 का डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5, इस तरह करेंगे. देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है 2.5. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राइट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद क्या है 1 डिजिट है तो 1 के संग उतनी ही 0, तो 26/10 आ जाएगा. फिर हम इसको सॉल्व करना है तो हम दोनों को इवन नंबर है 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.5, जो एक फ्रैक्शन फॉर्म है. नेक्स्ट है 19.4, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा 194/10, दोनों ही इवन नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 97/5. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जी देख लेते हैं. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट. तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, डिजिट दी हुई है, सबसे पहले हम इस तरह की टेबल बना लेंगे, बीच में लिखेंगे डेसिमल पॉइंट, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, और ये लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, एस नंबर, सीरीज नंबर. तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, देखिए 5.17, तो लिखेंगे 5.17, 10.6, 18.24, ये डिजिट जो दी हुई है हमें इसको टेबल में डालना है. तो 517 डेसिमल के वहाँ पे पॉइंट पे डेसिमल ही आना चाहिए, जैसे डेसिमल पॉइंट लेकर यहाँ डेसिमल ही आना चाहिए और हम डिजिट को आगे पीछे नहीं कर सकते. 136. क्वेश्चन नंबर लास्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है 621.2 को, तो देखिए 6 के बाद कितने नंबर है 2, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 के बाद कितना नंबर है डेसिमल के बाद वाला नहीं, डेसिमल से पहले 10,
प्लस वन के बाद एक भी नहीं, प्लस टू। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो डेसिमल के बाद नंबर अगर सिंगल है तो 10 से डिवाइड, तो 621 टू अपॉन 10, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। और समझते हैं इसको, जैसे कि देखिए डेसिमल से पहले वाले नंबर चेक करेंगे पहले, तो 3 इसके बाद एक नंबर है, तो 3 मल्टीप्लाई 10, 4 इसके बाद एक भी नंबर नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और 6 के लिए लेंगे तो 6 क्या डेसिमल के बाद है, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर 1000 से डिवाइड, 3 जीरो से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 34 6 अपॉन 1000। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई है। इतने क्वेश्चंस कर लीजिएगा, दो दो क्वेश्चंस कराए मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।